हमने झंडा इसलिए निकाला था क्योंकि रोड के बीच वो तो ठीक है, झंडा हमने इसलिए निकाला था क्योंकि हमने सोचा बड़े दिन हो गए कनाडा फील्ड्स नहीं आई है तो झंडा दिखा देते हैं, और वैसे भी हम यूट्यूब से गायब भी हैं तो झंडा देख के तुम समझ गए होगे कि कनाडा वाले इस बैक दूध लेने जा रहे हैं दूध, तो क्योंकि बॉर्नविटा वाला दूध पीना हमने। आज का व्लॉग थोड़ा ना मतलब एक ना पंगा पड़ गया मेरे साथ, मेरे को कराना पड़ रहा है कोविड टेस्ट, ठीक है। तो वो मैं क्यों कराना वाला हूँ, क्या मेरे को कोरोना हो गया है, और अगर मेरे को कोरोना हो गया तो यश तू मेरे साथ के घूम रहा है, तो ये जानने के लिए ना तुम्हें व्लॉग पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो मैं बस यही बता रहा हूँ, व्लॉग देखो एंड तक, तो फिर घर जाके नहा दोगे, फिर सीधा एक ही बारी मिलेंगे, ठीक है। आज बहुत काम करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, मैं कह रहा हूँ मजे आ जाएंगे तुम्हें आज, ठीक है। व्लॉग को ना मिस ना करना, ठीक है, ओके बाय। जी की हाल है, आज कराना सी कोविड टेस्ट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रात मतलब सुबह सुबह बताया था तुम्हें कि मैंने कोविड टेस्ट कराने जाना है, बट अब कोई जरूरत नहीं है उस चीज की, क्योंकि मैंने वहां गया और मैंने उनसे पूछा कि मुझे टेस्ट कराना है, उन्होंने बोला सर आपको कोई सिम्टम ही नहीं है तो हम कैसे कर दें आपका टेस्ट, तो फिर कोई टेस्ट नहीं हुआ मेरा। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि टेस्ट कराने की जरूरत क्यों पड़ी थी। ये आगे एक बंदा जा रहा है, ठीक है, अभी शक्ल दिखाऊंगा इसकी। इस बंदे ने मेरे को बोला कि ना तू एक झूठा बहाना मार दे, कि मेरे को काम पे जाने का मन नहीं कर रहा था। ये बंदा कहता कि ना तू फीवर का बहाना मार दे, मैंने फीवर का बहाना मारा तो उसने बोल दिया कि सर अब तो बेटे आपको नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी तभी हम आपको काम पे वापस ला सकते, ये पंगा पड़ गया था इसलिए मुझे कराना पड़ रहा था, बट अब कोई चक्कर नहीं, अब मुझे कोई सिम्टम ही नहीं है तो फिर वो खुद ही करने के लिए रेडी नहीं है, तो बंदा क्या की करे, है ना। तो फिर हुन मैं अपने बॉस नु कहता है तो सुन समझ गया, तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है कोई ना कल तो काम पे आ जी, ठीक है, तो सब सेट है और बाकी व्लॉग यहाँ एंड नहीं होता है। एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले वीजा अपना रिन्यू कराने के लिए दिया था क्योंकि मैं आ रहा हूँ इंडिया, मैं ये नहीं बता रहा कब आ रहा हूँ बट मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ, एंड अपनी फैमिली को आके एकदम बढ़िया वाला सरप्राइज देने वाला हूँ इंडिया आकर। एंड अभी तो मतलब ये है कि मेरे को रिक्वेस्ट आ गया था कि अपना पासपोर्ट तुम कुरियर कर दो, तो बस अभी कनाडा पोस्ट आ रहा है, अपना पासपोर्ट कुरियर करेंगे, आ रहा साडा इंडियन पासपोर्ट ये गुम ना जाए वरना हम यही रह जाएंगे, तो बस अभी इसको हम भेजेंगे उनके पास वीजा वालों के पास, फिर वहां से स्टैंप लग कर आएगी एंड देन फिर अपने इंडिया जाने की तैयारी स्टार्ट होने वाली है। आज तो भाई लिटरली ना ऐसा लग रहा है मतलब इतना बढ़िया मौसम हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ना हम स्विट्जरलैंड आ गया, तो बहुत बढ़िया वाली फील आ रही है मेरे को। स्ट्रगल है ना खासकर स्नो में चलने की, क्योंकि ये वाली जो तुम देख रहे हो ना अभी तुम्हारा भाई ये पूरी स्लिपरी है, इसको कहते हैं ब्लैक आइस, है ना यश। सो इस पे मैं कह रहा हूँ अगर थोड़ा सा संभल कर ही चलना पड़ता है पैर दबा के, सन देख कितना बढ़िया लग रहा है उधर। तो यश हमारे दर्शकों को जरा बताएं कि अगर किसी को कुरियर वगैरह भेजना है तो कहाँ पे जाना चाहिए उनको। यहाँ पे शॉपर्स है, 7-Eleven है, DHL के आउटलेट्स है, पर सबसे सस्ता कनाडा पोस्ट होता है, और कनाडा पोस्ट, हाँ कनाडा पोस्ट तुम्हें मिलेगा सिर्फ 7-Eleven और शॉपर्स ड्रग मार्ट में, या आउटलेट भी होते हैं अलग, बट नियरेस्ट टू आवर प्लेस वहाँ पे 7-Eleven ऑफिस में है। या सो अभी हम फिर 7-Eleven जा रहे हैं क्योंकि शॉपर्स ड्रग मार्ट में तो नहीं है अभी, इस वाले आउटलेट में वो ऑफिस नहीं है, तो अब 7-Eleven जाते हैं, बाकी देखते हैं कितने पैसे लगते हैं वो भी बता देंगे, और चलो मिलते हैं आगे। $46 का चूना लग गया, तो भाई $46 का चूना लगवा के आ गया, ठीक है टाइम 14। दिक्कत अभी ये हो गई है कि ना हमारे पास अब टॉपिक ही नहीं बचे, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या शूट करें, मेरे को पता है इतने दिनों बाद शूट करते ना थोड़ा बहुत हो ही जाता है ना, बट आज ना सच में मतलब कुछ समझ सा नहीं आ रहा कि शूट के किया जाए, ठीक है। व्लॉग भी मैंने अभी चेक करा तो बड़ा छोटा सा बना है, ठीक है, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा करे क्या, ठीक है। यश तू बता क्या करे, यश अभी कैमरे के पीछे मेरी वीडियो बना रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज दिखाऊंगा इस ब्लॉग को, खींचेंगे थोड़ा अपनी बातों से ही चाहे खींच दे पर खींचेंगे जरूर,
तो अभी एंड नहीं करना किसी ने भी, तो बने रहे अभी भी, कहीं जाए ना यार। एक तो ना यश तू इतना बड़ा है ना मेरे को इतनी दूर से, तू एक काम कर तू पीछे पीछे चल ठीक है, मैं तेरी बनाता हूँ इधर देख। तो भाई यार एक बात बताओ। नहीं नहीं ये पहले अभी आवाज आ रही होगी, कोई स्पोर्ट्स कार जा रही थी ठीक है, स्पोर्ट्स कार तो नहीं है वो, मसल कार स्पोर्ट्स कार का हाइब्रिड टाइप जो भी है ठीक है, देसी दे पंजाबी दे, पता नहीं क्या हुआ हमारे सामने ना रेव करके चले गए भाई, क्या मिल जाएगा उससे ठीक है। माना भाई तुम्हारे पास है कार ठीक है, हम भी ले लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट इतना भी शो ऑफ अच्छी नहीं होती ना कि भाई तुम ऐसे किसी सामने आके भाई ऐसे तुम करके जा रहे हो, है ना, तो थोड़ी तमीज रखे तू, दिल दिया फीलिंग समझ ले, वो असि कर दे प्यार थोड़ा तू भी कर ले। तो मैं कह रहा हूँ मेरा इंडिया में जिगरी दोस्त रहता है, अभी हम उसके साथ बड़ी ऐश करने वाले हैं, तो ये बंदा नहीं जा रहा यार, इसको मैंने बड़ा बोला चल ले इसको भी एक साल नहीं हो, मेरे को दो साल हो गया, तो अब बनता है और अब जाना ही है, तो घर वाले को सफाई करेंगे थोड़ा सा। पर्सनल बातें हो रही है हमारी, अभी सब सब सुन लोगे क्या ऐसे ऐसे, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए सुखी। तो भाई मैं कहता हूँ पाजी ने एंड करता। बाय द वे यहाँ पे भी ना मार्च होने वाली है, फार्मर प्रोटेस्ट के लिए मार्च होने वाली है, मेरे को नहीं पता वो मैं शूट करूंगा या नहीं करूंगा। विनेबैग में फार्मर्स प्रोटेस्ट कैसा चल रहा है ठीक है, और कैसे मतलब हमारे जो कनाडा के लोग हैं वो क्या क्या मतलब कर रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब देखने को मिलेगा। सर फाइनल जाने वाले हैं। अच्छा फिर पढ़ना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ ना चाहते हुए भी। दो मिनट के लिए बुक खोलेगा फिर PS4। ये है यहाँ कनाडा के DDA फ्लैट्स। यार वीरे मैं वेखिया साडा कनेडा इन्ना भी माड़ा नहीं है, मतलब कनेडा नहीं मतलब साडा विनिपेग इन्ना भी माड़ा नहीं है, मतलब विनिपेग इतना भी बेकार नहीं है भाई, सुंदर हो गया है मैं कह रहा हूँ, इसके जैसे तो नहीं, मेरे जैसे अगर सुंदर लोग होंगे तो फिर सुंदर होना ही है ठीक है। फेंक के मारूंगा मम्मी देखती है थना। ये बंदा ना अभी हरकत करने वाला था, कहता ये मैं यहीं फेंक दूंगा, मैंने बोला अच्छा तो, ये लोग होते हैं तो देश को साफ नहीं रहने देते। सर्दियों के टाइम पे पेड़ नंगे हो जाते हैं, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, देते हैं बता घर देखो कितने बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं इधर, मतलब इतने अच्छे तो नहीं है पर ये वाला जरूर अच्छा है। हाँ जी तो फिर देखो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बोलना चाहूंगा कि मुझे पता है व्लॉग्स काफी देर से आ रहे थे ठीक है, बट यार देखो मैं भी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी बहुत मतलब चीजों से गुजरना पड़ता है ठीक है, एंड मूड फास्ट अट गया। तो यार पता है क्या देखो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, बस यही है कि भाई मैं भी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ तो मेरे को काफ़ी काम होते हैं, मेरे को जॉब पर भी जाना होता है, तो जिस वजह से ना यार बंदे को इतना टाइम मिल नहीं पाता कि बंदा और कुछ काम कर सके, बट कोई बात नहीं है अब ना मैं अपनी एनर्जी में आ चुका हूँ ठीक है, सपोर्टिंग एक्टर भी फ्री नहीं होता ना। अब मैं अपनी फॉर्म में पूरी तरह वापस आ चुका हूँ ठीक है, नाउ आई एम बैक इन बिजनेस एंड अब बहुत तगड़े तगड़े व्लॉग आने वाले हैं, एंड कल एक और चीज़ आने वाली है कि लाइक एक स्पेशल चीज़ मैं बाय करने वाला हूँ जिसको ऑर्डर दिए हुए काफी टाइम हो गया था एंड वो कल आ चुकी है, तो कल हम वो लेने जाएंगे, तो वो क्या चीज़ है वो भी देखनी है तुम्हें ठीक है, बट इस तरह बता रहा हूँ कि थोड़ी महंगी चीज है, लाइक लाख रुपए तक की चीज है, तो देखना जरूर नेक्स्ट व्लॉग भी, एंड देखो बस यही बताना चाहता हूँ कि भाई हर चीज से प्यार करो, प्यार बनाए रखो, खुशियां बांटो एंड एंजॉय करो अपनी लाइफ ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में सेम एनर्जी के साथ ठीक है, कर दे फिर बर्रा पंजाबी मस्तान जी की ओ मैं क्या पोर्श ते बेंटले दी जोड़ी।